हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चाउमीन की, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए हम सबसे पहले चाउमीन को उबाल लेंगे। तो चाउमीन को उबालने के लिए हम यहां पर पानी ले लेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 2 टेबलस्पून तेल। जब पानी उबलने लगे तब हम इसमें चाउमीन डाल देंगे और इसे हम लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चाउमीन को उबाल लेंगे। तो देखिए, हमारी जो चाउमीन है वो बॉयल हो चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका जो पानी है उसे हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून तेल भी डाल देंगे ताकि जो चाउमीन है वो चिपके ना, और चाउमीन को अच्छे से मिला लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। कटी हुई बीन्स और गाजर डाल देंगे और इसे लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सब्जियों में थोड़ी सी नमक डाल देंगे। तो सब्जियों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लगभग 5 मिनट तक सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम सॉस डाल देंगे, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सब्जियों के साथ मिला लेंगे और चाउमीन को डाल देंगे। अब चाउमीन के साथ इसे हम मिला लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं। और इसमें हम 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चाउमीन के साथ मिला लेंगे। अगर आपने सब्जियों को रेडी करके रखा है तो आपको इस चाउमीन को बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। इसमें हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे ऊपर से और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमारा जो चाउमीन है वो बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।